नाइस शॉट, नाइस ट्राई। दाल चावल वही गर्म है, गर्म है, रहने दे। नया मैम छोटी छोटी है, मजा आया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो गाइज गुड मॉर्निंग हो गई है फार्म हाउस पे। गुड मॉर्निंग, तो आज का हमारा प्लान है कि अब स्विमिंग पूल हमारा पूरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो सारा उसके अंदर मिट्टी भर गई है, पता नहीं क्या क्या है अंदर। तो गाइज हमने पता नहीं फ्लड के अंदर पूरा मिट्टी मिट्टी पूरे एरिया के अंदर पता नहीं क्या क्या घुस के उसके अंदर पूल के अंदर बैठ गया आके भाई साहब। बट चलो कोई बात नहीं, आज हमने बंदे बुलाए हुए हैं, लेट्स सी पूल साफ करा के देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या निकलेगा। बहुत बुरी हालत हो रही है, इतना सुंदर लश ब्लू हमारा जो पूल था वो ब्लैक हो गया, क्योंकि जो मिट्टी है वो आके सेटल हो गई है, चिपक गई है, चिकनी मिट्टी है जो चिपक गई है। आप आज जो स्विमिंग पूल की हालत है आप उसमें स्विमिंग करना चाहोगे? नो थैंक यू, आप चाहते हो आप कर सकते हो, वरना मैं नहीं करनी। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से साफ करा देंगे, फिर सारे के सारे फिर से घुस जाएंगे, ठीक है ना। सियान क्या कर रहा है देखता हूँ। तो इधर भाई साहब की प्रैक्टिस चल रही है, ओह क्या बात है, नाइस शॉट। तो सियान जो हमारे स्विमिंग पूल की हालत है उसके अंदर आप स्विमिंग करना चाहोगे? नहीं, कर लो, क्या दिक्कत है, थोड़ा और सही। तो उसके अंदर अंदर से नए नए जंतु निकलेंगे, उनके साथ स्विमिंग करियो, पता नहीं क्या, देखते हैं खाली करा के। तो ऐसे प्रैक्टिस चल रही है, अनान्या का, अनान्या की क्लास चल रही है, अनान्या पढ़ रही है गाइस। ओए नाइस शॉट यार, नाइस ट्राई। इधर चल रही है गाइस हमारे खाने की तैयारी, क्या है आज मेन्यू में, क्या बना रहे हो? आज हमने बनाए हैं दाल चावल, राइस कुकर में मेरे राइस बन चुके हैं, दाल चावल, ओके नाइस। घी मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, दाल बन किया था वही गर्म है, गर्म है, रहने दे, बाद में करेंगे, बाद में। गाइस यहाँ पर हमारा कभी डाइनिंग टेबल होता था, बहुत जल्दी न्यू डाइनिंग टेबल लेंगे हम। मेरी दाल बन गई है, दाल भी बन गई है, सुंदर दाल तैयार है, क्या बात, जल्दी हमारा डाइनिंग टेबल भी वापस आ जाएगा, हम यहाँ पे फिर डिनर करेंगे। तो सज के बैठ गए भाई साहब, तैयार व्यार हो जाओ, फिर शूट वूट कर लेते हैं कुछ। चलो कोई बात नहीं, चेंज वेंज कर लो, थोड़ा सा शूट अर्जेंट है, फिर से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रात को हमने डिनर पे भी जाना है गाइस, आज रात को हमने फैमिली डिनर में जाना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलो पहले चेंज करो फिर डिनर पे चलेंगे, वो पहले शूट करते हैं फिर चेंज करेंगे फिर डिनर पे जाएंगे, ओके समझ जाओ। और इसी के साथ आ गई हैं हमारी अनान्या मैम, हाउ आर यू, पढ़ाई चल रही थी आपकी? अभी बताएं स्विमिंग पूल को पूरा क्लीन कराने के लिए सब आने वाले हैं, तो तू जल्दी से चेंज कर ले, ओके, और फिर रात को डिनर में भी जाना है, ठीक है ना। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस यार ये देखो हमारे जो पूल की हालत हो रखी है, यहाँ मछली पकड़ने आ गए हैं। अरे दिखाइयो भाई, नेट निकालियो, ऊपर ऊपर नेट निकाल के दिखा, जाले निकालियो, कैसे जुगाड़ बनाया, ये देख लो भैया, किसी का तो फायदा हो कम से कम, ये मछली खाएंगे। अरे मिली कोई मछली? नहीं मिली मछली, छोटी छोटी है, दिखाइयो भाई साहब, छोटी सी मछली मिलेगी, हमारी मछलियाँ हैं, अब ये निकाल के लेके जाएंगे, खाएंगे इसे, तो थोड़े दिन बाद आ जाना, बड़ी हो जाएंगी। सियान ये देख क्या हो रहा है यहाँ पे, इधर देख, मछली पकड़ रहे हैं, फिश फिश मतलब क्या बोलते हैं पता नहीं, मछली पकड़ रहे हैं गाइस। यार ये आए हुए हैं यहाँ पर, हमने कहा भैया पूरे फार्म की तो ऐसी तैसी हो ही गई है, जिसका फ़ायदा होता है तुम ही कर लो, कहते सर हम मछली पकड़ लें आके, मैंने कहा पकड़ लो भाई, लगे हुए हैं ये लोग मछलियाँ पकड़ने में। शनाया देखा था ना अभी मछली, मज़ा आया, ये देखो क्या हालत हो गया, देखते हैं उन्होंने नेट निकाला उसमें से क्या क्या निकला अंदर हमारे। ओहो भाई साहब बड़ी दूर से मछलियाँ निकल गई हैं, बच्चे तो हैं, मछलियाँ तो मछलियाँ ही हैं, ये देखा भाई साहब इतनी सारी मछलियाँ, देख रहे हो, निकालियो और हाथ से बाहर, ये
देखो ओ दादा आ गए, बड़ी मछली भी आ गई। दादा दादा मतलब घाटे ये देखो देखो बड़ी मछली बोलेंगे देख लो ये बोल चलाया हाथ में लेगी ले ले सियान हाथ में पकड़ना ये देख लो भाई सब क्या हालत होगी हमारे हमारे स्विमिंग पूल की क्या हालत होगी मछलियां ऐश कर रही हैं मैंने बड़ी मछली देखी लेटर दैट सेम इवनिंग तो गाइस यार फाइनली चेंज करके हम आ गए हैं दोबारा से मॉल घूमने मछलियां पकड़ के हां भाई कैसी थी मछलियां बहुत बढ़िया थी हम खाते नहीं है लेकिन गाइस हम लोग मछलियाँ नहीं खाते और वहाँ पर वो बंदे सो मछलियाँ निकाल निकाल के ले गए कि भैया चलो हम खाएंगे हम तो सारे वेजिटेरियन हैं तो बट चलो मज़ा आया पूरा अभी क्लीन हो गया है ऑलमोस्ट थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन और थोड़े दिन में हो जाएगा एक दो एक बारी में साफ नहीं हो पा रहा था पूरा बट काफ़ी हो गया है तो लेकिन अभी स्विमिंग करने में तो टाइम है टाइम लगेगा अभी पहले हम पानी डालेंगे पूल में देन वो फिल्टर होगा पानी में देन सारा सिस्टम और भाई रेडी फॉर द पार्टी रेडी फॉर द पूल पार्टी जल्दी जल्दी ठीक करो हम उसमें डुबकी मारे सर्दियां निकल आ जाएंगी यार गर्मी चली जाएंगी इससे पहले हमारे को फटाफट नहाई नहीं कराना है पूल पार्टी तैयार हो चुके हैं और हमारे यहाँ पे पूरा फैमिली फंक्शन है गाइज अभी हम ढूंढ रहे हैं हमने जाना कहाँ है सेकेंड फ्लोर चलो 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 आजा आजा वहीं पे तो गाइस यार बहुत ही जबरदस्त माहौल है पीछे आप देख सकते हो हाँ भाई मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है क्या क्या खाया सब कुछ जो भी आया सब कुछ खा लिया मैंने सब कुछ खा लिया हाँ भाई मजा आ रहा है जगह ऐसी है कि मैंने अब ओवर खा लिया ओवर अब यहाँ डिनर भी खाना है खाना तो पड़ेगा खाऊंगी 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 तो गाइस यार फाइनली हमारे को रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया है केक मिल गया है बहुत ही बढ़िया पार्टी थी मज़ा आ गया मज़ा आया इतने सारे प्यार करने वाले हमें मिले यार सारे प्यार करने वाले मिले बहुत अच्छा लगता है यार जब आप लोग मिलते हो इतना प्यार देते हो आई लव इट थैंक यू हमें तो इतना मज़ा आता है ना आप सबके साथ फोटो खिंचाने में और बातें करने में तो थैंक यू सो मच गाइस जहाँ पर भी हमें देखा करो हमसे मिलने आ जाया करो वी लव इट और सब लोग इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं तो हाउ वाज इट चनाया मज़ा आया बहुत मज़ा आया यार इंजॉय किया पूरा दिन यस बहुत मज़ा आया बहुत मज़ा किया यार इन लोगों ने अब जाकर बहुत सारा काम भी पेंडिंग है फार्म हाउस का बहुत सारा काम करना है हमने सारा कुछ सही करना है ताकि आपको और भी हम सुंदर फार्म दिखा सकें तो बहुत जल्दी हम लोग बनाएंगे और बहुत जल्दी इसको पूरा एकदम पहले से भी ज़्यादा सुंदर बना देंगे क्यों भाई सही है ना yes. आप लोगों की बेस्ट विशेस चाहिए गाइस उसको वैसा सुंदर बनाने में हमारा एंथू बनाए रखना तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय माता पिता की इज्जत करना भाई बहन को प्यार करना हमारे वीडियो देखते रहना बाय थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए इंडिपेंडेंस डे वेस्ट हो गया हवा ही नहीं चली फार्म हाउस पे वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल आर एस 13 व्लॉग्स पे हमने इंडिपेंडेंस डे पे क्या क्या किया ये देखने के लिए क्लिक 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 बहुत अच्छी वीडियो है क्लिक 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 क्लिक